किचड़ी का तो गंध से उनको पता चल रहा है पोते समय। कपिल में निकलेस पिकेट से यार कैसे मैं इसको लूँ बैग लेता आप इस पे खाने का पैसे मिलेगा इसका आज हम लोग खिचड़ी बना के खाने जा रहे हैं। तो हम लोग आज इंग्रेडिएंट ले रहे हैं, चार पोटैटो लिया है, एक ओनियन चाहिए लेने से इनफ है। इसके बाद तीन कैरेट ले रहे हैं, इसके बाद दो बैगन, इसके बाद दाल हमने लिया है लगभग 800 ग्राम। अलग दाल भी डालना था लेकिन वो दाल का अभी फिलहाल घर पे नहीं था तो अभी ये दाल से काम चला लेते हैं। और चावल जो रेगुलर चावल रहता है वही वो 400 ग्राम लिए हैं। इसके बाद साथ में हम लोग डालेंगे घी जो है अन्नपूर्णा का है, और साथ में कुछ मसाले भी बाद में डालेंगे, उसको आगे वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। इससे आगे इसको अभी आलू को हम लोग को थोड़ा बड़ा बड़ा ही लेना चाहिए, खिचड़ी में थोड़ा बाद में गल जाएगा ना, तो ये साइज में ले रहे हैं हम। तो चावल डाल लेते हैं अभी 400 ग्राम चावल और 800 ग्राम दाल। पास दो लेना है, दो आपको इसको धुला के दो बार साफ कर लेना है, अच्छा से चावल और दाल साफ हो जाएगा। इसके बाद इसका पानी पे के और एक बार मैं धोने वाला हूँ। गर्म पानी डाल दिया ऑलमोस्ट, आप जैसे देख सकते हैं धुआं निकल गया। तो अभी आपको इसमें सारा सब्जी डाल लेना है, संभाल के, पानी बहुत गर्म है। तो मेरे स्टाइल से बन रहा है, तो आपको नमक टेस्ट अनुसार डाल लेना है, आप कितने डाल रहे हैं उसके हिसाब से डालेगा नमक। इसके बाद मैं इसमें डालने वाला हूँ अभी मसाला, हम लोग तो इतने खाते नहीं हैं, तो अभी इसमें मैं ले लूँगा हल्दी जस्ट कलर के लिए, बस हो जाएगा, इतना काफ़ी है। इसके बाद आपको ले लेना है रिफाइन ऑयल, आप चाहें तो कुछ कोई दूसरे ऑयल भी डाल सकते हैं जस्ट स्टिक नहीं होने के लिए ना राइस लोग। इसके बाद मैं डालने वाला हूँ घी, लगभग मैं एक स्पून लूँगा, पानी गर्म है ये मैं रख के गला देते हैं। तो इसके बाद आपको एक बार मिक्स कर लेना है इसको अच्छी तरह से। और हम लोग का स्टाइल है दखन हवा पास हो रहा है कि नहीं, कुकर का चेक करने के लिए। अभी ये हो गया, आपको दो सीटी हाई फ्लेम में मारेगा, जब हाई फ्लेम दो सीटी हो जाने के बाद आप लो फ्लेम कर दो, नॉट लो थोड़ा मीडियम में रखिएगा। इसके बाद और दो सीटी मारने के बाद जब चार सीटी टोटल हो जाएगा इसके बाद फ्लेम ऑफ कर देगा, और आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। इसके बाद हम लोग खिचड़ी के साथ ड्राई फिश चटनी भी बनाने वाले हैं ना, तो ड्राई फिश का चटनी कैसे बनेगा उसका भी आप लोग हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। ड्राई फिश जला रहे हैं अभी हम लोग, लगभग 15 पीस ड्राई फिश लिए हैं। देख सकते हैं हम लोग यहाँ ले लिए हैं गार्लिक और अदरक, नमक, ड्राई पीस और किंग चिल्ली, ये तीन से ही हम लोग का चटनी बनने वाला है आज, और हमें कुछ और नहीं चाहिए आज अभी। सो फाइनली आप देख सकते हैं हमारे खिचड़ी के लिए, खिचड़ी का साइड डिश के लिए ड्राई पीस चटनी रेडी है। पूरा प्रोसेस तो देख ही लिया होगा कि हम लोग कैसे कैसे करके खिचड़ी बनाए और चटनी बनाए ना, तो अभी आप लोग को खा के हम इसका टेस्ट बताएंगे। खिचड़ी का तो गंध से हमको पता चल रहा है बहुत टेस्ट होगा, ये काफ़ी गर्म है। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा टेस्ट है।
ड्राई पीस को हम लोग बड़े बड़े लिए था ताकि इस पर खाने का टेस्ट भी मिले ना इसका। बहुत बढ़िया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बाय बाय।